दोस्तों, हमारे शो में आपका तह दिल से स्वागत है। एक कारवां हम अपने साथ लेके आए हैं, न मंडप है न घोड़ी है, फिर भी खुशियों की बारात साथ में लेके आए हैं। खटा पाजी, बचपन में हम सबको एक चीज सिखाई जाती थी कि झूठ बोलने से पाप लगता है। इस चक्कर से डरते मारे ना, मैं एक बार अपने प्रिंसिपल के पास चला गया। मैंने उसको जाके सच सच बता दिया। मैंने कहा, सर जी, इंग्लिश वाली मैडम का ना हिंदी वाले टीचर के साथ सिलेबस सेट हो रहा है। लवी लवी। मैंने सच सच बोल दिया, मेरे को हिंदी वाले टीचर ने ऐसी ऐसी जगह पे मारा, मैं आपको बता नहीं सकता पाजी। इतना मारा, मेरे पाप का वड़ा पाप बना दिया उसने। अब मुझे नहीं पता कि उसको पाप लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लेकिन मेरा बड़ा बुरा हाल किया उसने पाजी। हर जगह झूठ चलता है आजकल के जमाने में। आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चले जाओ पाजी, लड़कियां मैं क्या बताऊं आपको पाजी, मतलब अजीब अजीब शक्लों वाली फोटो लगा लेंगी कटरीना कैफ की। एक दिन मुझे खुद सोनाक्षी सिन्हा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैं खुश। मैंने कहा, इतनी बड़ी हीरोइन मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। मैंने एड्रेस वेड्रेस लिया, मिलने पहुंच गया। आप यकीन नहीं करेंगे लड़की कैसी, मैं बताऊं आपको, निकली आगे से अपना ये गिटार वाला ना, इसको आप लेडीज टॉप पहना दो। मतलब खुदा का कहर और कॉन्फिडेंस देखिए उसमें। ऐसे बुला रही मेरे को, कपिल जी आपका तो मैं 6 महीने से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी, डायन आ गई, डायन लगिन रहा था, थैंक गॉड यू मेट मी फाइनली। फिर फाइनली जब सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पे आई ना, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा सोनाक्षी तुम्हारे नाम के 480 आईडी बने हुए हैं, तुम्हारा वाला कौन सा है? कहती मेरा एक भी नहीं है। मैं क्यों? कहती मैंने तो खुद अपने पापा के नाम से बनाया, शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से। ऐसा क्यों? कहते सब मेरे पापा से डरते हैं, मेरे पापा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता नहीं, अगर भेज भी देना तो मेरे पापा ऐसे करके रिक्वेस्ट तोड़ देते हैं उनकी। देखिए भाजी, एक होता झूठ बोलना, एक होता सच बोलना, एक होता कुछ भी बोलना। पिछले दिनों एक आदमी ने, किसी ने कहा कि 12 रुपए में एक आम आदमी का पेट भर जाता है। ये बात में सच्चाई लगती है आपको? आप बस स्टैंड के बाहर शुभ चले चले जाओ, पेट खाली करने के 4 रुपए लेते हैं वो। हमारे इंडिया में लोग पाप पुण्य में बड़ा बिलीव करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं जाके ना। यहाँ तक कि मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं, उनको रोज आ रहा था, 1 साल से ना कच्चा पेड़ा लेके जाते थे गाय को खिलाने के लिए। हमेशा रोते रहते, कहते यार गाय मेरा पेड़ा खाती नहीं, जब तक गाय पेड़ा नहीं खाएगी मेरे भाग नहीं खुलेंगे। मैंने एक दो बार खुद जाके देखा, जब पेड़ा करते ना गाय के आगे, तो गाय ऐसे करती है। गाय भी सोचती है कि मैं तो गाय हूं, तू तो आदमी, तू तो पका के ला, तू तो पराठा बना के ला, क्या पता उसका पराठा खाने का दिल कर रहा हो, कच्चा पेड़ा मुंह में ठूस रहा, नहीं खाती अगली। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इंसान मरने के बाद ऊपर जाता है, उसके कर्मों की सजा उसको ऊपर मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि हम स्वर्ग में जाएं, क्यों नहीं है, कि नहीं कोई है यहाँ पे? हेलो जी, तो आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ अफसलाएं होती हैं और खाने पीने को भी बहुत अच्छा मिलता है। अप्सराएं होती, खाना पीना खुला होता है जी। हाँ, जाना आपको स्वर्ग है, हरते आपकी नर्क वाली सारी। नर्क, नर्क में क्यों नहीं जाना चाहते? नर्क में मैंने बुजुर्गों से सुना है जी कि वहां कढ़ाई के तेल में तला जाता है जो बुरे काम करे। हाँ जी। आपको क्या लगता है भगवान फ्री बैठा है, पकौड़े तल रहा? आपको कैसे पता कढ़ाई में तला जाता है? आप वहां रिफाइंड ऑयल सप्लाई करते हैं? नो सर, मैंने सुना है जी। बैठ जाइए सर, थैंक यू सो मच। देखिए, कहते हैं जिसने कभी पाप किया हो कन्फेस करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे कोई मेरा ऐसा भाई बंधु है जो अपने पाप को बख्शाने के लिए कन्फेस करना चाहता हो? आप, आपने क्या पाप किया है? मैंने शादी की है। पारी, यहाँ पे तो आपने कन्फेस कर लिया, घर जाके भाभी जब आपका रिसेप्शन करेगी ना, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, मैं एक बात पूछनी चाहता हूं, वैसे तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी को रास्ते में अचानक चलते हुए भगवान मिल जाए तो आप क्या मांगना चाहेंगे? अरे वाह मोहतरमा, व्हाट्स योर गुड नेम? जैनिश। जैनिश, या जी, एक्स्ट्रा लगा ले, जैनी भी अच्छा था। तो जैनी भी जी, जैनी। अगर आपको भगवान मिले तो आप भगवान से एक कोई बार मांगेगी तो क्या मांगेगी? बस मुझे एक बार सलमान खान से मिलवा दो। कर दी लड़कियों वाली बात ना, सलमान खान से मिला दो। आप ये भी तो कह सकती थी कि भगवान मुझे हीरोइन बना दे ताकि मैं हीरोइन बनूं, सलमान खान के साथ फिल्म में हीरोइन आऊं।
लेकिन आप अगर ये डिमांड भी करती ना तो भगवान मुकर जाते। मैं कहते देखो मैं भगवान हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर तो हूँ नहीं। वैसे अगर आपको सलमान मिले तो क्या कहेंगे आप उनसे? मैं उनसे ये कहूंगी कि मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। वाओ, इट्स अ यूनिक थिंग एक्चुअली। ये कभी सलमान को किसी ने बोला नहीं होगा आज तक। ज्यादातर सभी रजाक खान को बोलती हैं। थैंक यू जेनी, आते रहना शो में। तुम्हारा अपना शो है, तुम्हारे भाई का कह रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त का शो है, आती रहना। और कोई मेरा दोस्त जिसका ये मानना कि उसने कोई पाप किया है, जिसको ऐसे गिल्ट हो रहा है? जी सर जी, मैंने एक पाप किया। पाप तो तुमने किया है, जो तुम्हारा साथ वाला बैठा हुआ ना, इसने पाप किया बाल खराब करके। क्या पाप किया आपने, क्या लगता है आपको? जी मैंने ना एक मुर्गी का अंडा तोड़ दिया है जी। देखिए टीवी पे आने का शौक अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी बोल के नहीं आना चाहिए। आपसे अगर अंडा नहीं भी टूटता मान लो, तो अंडे में से बाहर निकल के कौन सा वो बैंक में मैनेजर लग जाता चूहा। चलिए क्या करते हैं आप वैसे? जी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ सर जी। फ्लाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ सर जी। तो पढ़ाई करते करते अंडा कहाँ से मिल गया तुम्हें? मुर्गी के सामने पड़ा था सर जी, तोड़ दिया। मुर्गी के सामने नहीं, पीछे पड़ा होगा। चलिए शुक्रिया, बैठ जाइए। क्या नाम बताया आपने अपना? समीर सर जी। समीर? हाँ जी। थैंक यू समीर, शुक्रिया समीर के लिए। तालियां। हाँ, तो मेरा कोई ऐसा कोई भाई जिसने पुण्य कमाने के लिए कुछ किया हो। मुंह छुपाता फिर रही है तू? ओ नहीं भाई, बड़े अजीब अजीब लोग, बदतमीज लोग। क्यों? मुंह छुपाना, हर जगह पैसे मांगने वाले खड़े हैं, हर गली में खड़े हैं। ओए ओए, यार पैसे वापस ही मांगने थे, उधार दिया क्यों था? हर गली में खड़े हैं आप, तो ये नहीं कि सलाह करके आप सब लोग एक गली में शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारा आना जाना आसान हो जाए। बदतमीज लोग। अब तो इतने ढीठ हो गए ना बाजी, अगर मैं भेष बदल के भी जाऊं तभी पहचान लेते हैं। उस दिन मैं साड़ी पहन के चला गया तभी पकड़ा गया मैं। गलती मेरी थी एक्चुअली, मैं भी साड़ी पहन के ना जेंट्स वॉशरूम में घुस गया। हो जाता है। अरे आजकल तो किसी का उधार मारने का जमाना रहा ही नहीं है। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ जिसने उधार लेने का सिस्टम शुरू किया था ना, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और जिसने उधार वापस करने का, गोली मार दो खड़ा करके बीच में। ये पॉलिसी ठीक है तेरी, बिल्कुल ठीक पॉलिसी। लेकिन पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, उधार मांगने के फायदे बड़े हैं। आप किससे उधार ले लो, सारी उम्र आपको याद रखेगा। दुनिया इतनी मतलब ही कोई किसी को याद नहीं रखता। मेरे परदादा जी अंग्रेज आज तक याद रखते हैं। उन्होंने चीज ऐसी उधार मांग ली थी, किसी की बीवी उधार मांग के ले गए। और फिर अंग्रेजों ने ऐसी जगह लाठियां मारी है ना, परदादा सब्जी बाजी लाने के सिवा और कुछ करने का लायक रहा ही नहीं। और कल तो हद होगी बाजी। मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई ये गर्म मसाला उधार देना मेरे को। मेरे को कहा चल बे जाके खिचड़ी खा। मैंने कहा तेरे को कैसे पता हम लोग खिचड़ी बना रहे? कहता बुआ तेरी दाल चावल उधार लेके गई है, दादी तेरी नमक मिर्च। अब जब तक तेरे को मैं गर्म मसाला नहीं दूंगा पुलाव बनने से तो रहा, चल जा खिचड़ी खा। बड़ा ज्यादा था, इतने कमीने लोग हैं कसम से। पाजी आपको पता है मैं कितना काम ट्राई कर चुका हूँ, मेरा कोई काम चल नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना अपना ऊपर वाला कमरा मैं किराए पे दे दूं। वाह, चार पैसे आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ऑडियंस, सिद्धू पाजी ने भी एक बार ना अपना एक बंगलो किराए पे दे दिया था लड़कियों को। महीने बाद जब किराया बड़े खुश, कहते वाह भाई इसके पैसे मिलते हैं, ठोको ताली। यहाँ बड़े शहरों में लोग पता कैसे रहते हैं किराए पे, 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। उधर छोटे शहरों में चले जाओ एक एक साल तो झूठ बोल के रह जाते हैं। मैं जी आपके अंबाल वाले जो फूफा जी ने उसकी सगी दरवाने का उसका मैं भतीजा हूँ, इस चक्कर में रह जाते हैं। और साल तक वैसे रिश्तेदारी पड़ जाती है, किराया देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे दोस्त बंधु होंगे जो किराए पे रहते होंगे या जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया है। कोई है यहाँ पे ऐसा मेरा भाई? अरे वाह, आप तो शक्ल से मालिक मकान लग रहे हो आप, पले पलाए मालिक मकान। जी सर भारी भरकम। अरे वाह, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप उठे कैसे? नहीं नहीं ओके, आपने मकान किराए पे दिया है या किराए पे लिया है आपने? दिया है, किराए पे दिया है जी। और आप तो पेट पे भी किराया देना, 3,000 किराया तो इसका आ किनको दिया आपने मकान किराए पे? दो लड़की को। दो लड़कियों को दिया है जी। तो कैसी हैं लड़कियां? लड़की तो तो आपने लड़कियों को मकान किराए पे दिया है जी। तो किराया लेने कौन जाता है, भाभी जी जाती हैं कि आप खुद जाके माफ करके आते हैं किराया?
मैं खुद ही आता हूँ। हाँ जी मैं खुद ही आता हूँ और लेके आता हूँ, खुद जाके किराया लेके आते हैं। हाँ। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या लड़कियां वैसे कैसी हैं? लड़कियां घर तो बिखरा पड़ा रहता है। नहीं नहीं शक्ल के हिसाब से अच्छी है दिखने में, क्या करती है? शर्मा आ गए। घर घर बिखरा पड़ा रहता है सामान इधर उधर। अच्छा नहीं लड़कियां कैसी है यार, कमाल है सामान को मार गोली। सारा सामान बिखरा रहता है उनका। तो आप इतनी अंदर तक जाते क्यों, आपको उनका सामान नजर आया। चलिए थैंक यू सर, क्या नाम बताया आपने अपना? भरत। शुक्रिया भरत जी, थैंक यू भरत जी के लिए जोरदार तालियां। पाजी अच्छा कई लोग मकान ढूंढ लेते किराए पे, बाद में मालिम खान को खुद तंग करते हैं, जैसे किराया लेट देना या देना ही नहीं, बिफर जाते हैं आगे से भी जाओ करवा लो खाली करवाना तो। हाँ। यहाँ पे कोई ऐसे दोस्त है हमारे जिन्होंने कभी किराया ना दिया हो एक आध महीने? वैसे मुझे पता है ऐसे लोग खड़े नहीं होते वैसे, कोई है ऐसा? अरे वाह सत्यवादी, ये शरीफ आदमी है, खड़ा हो गया जी। आपका क्या नाम ब्रदर? आशीष। आशीष बर्थडे। आशीष आपने किराया नहीं दिया अपना? नहीं दिया सर। कितनी देर से नहीं दिया? 2 महीना हो गया। तो क्यों नहीं दिया किराया आपने? थोड़ा सा खर्चे पानी इसके वजह से स्ट्रगल चालू था, इसकी वजह से स्ट्रगल चालू है। तो स्ट्रगल करिए ना, यहाँ बैठ के आप शो देख रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं सर देखिए आपका शो देखूंगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर ज्यादा काम करूंगा तो। अरे चलो थैंक यू ब्रदर, आप ऐसे ही आते रहे, यहीं पे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, हम लोग भी फ्री बैठे हुए यहाँ पे। चलो थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे ये मेरा भाई बिल्कुल सत्यवादी था, पूरा मान गया कि मैं किराया नहीं दिया मैंने 2 महीने से। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टाइम पे किराया देते हैं, मैं देखना चाहूंगा कैसे लोग होते हैं वो। ऐ तेरी अच्छा क्या बात है। अरे वाह आप बाद में आए, आपका पेट पहले ही आ गया था। किराया बिल्कुल टाइम पे देते हैं? यस सर। इतने पैसे हैं तो अपना क्यों नहीं ले लेते घर? उतने ज्यादा भी नहीं है। अरे चलिए बढ़िया, आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं? हाँ जी हैं? अफसोस। आप कभी जब किराए का घर ढूंढने जाता आदमी तो स्पेशली कुछ चीजें देखते हैं आदमी की, मार्केट पास हो वैसा कुछ देखते हैं आप? हाँ जी देखते हैं। क्या देखते हैं आप जब किराए का घर ढूंढने जाते हैं? पहले किराए का सबसे पहले कि वो वस्तु शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा और बाथरूम बहुत बढ़िया होना चाहिए। बाथरूम? हाँ जी जैसा आपका पेट है आपको बाथरूम का ध्यान रखना भी चाहिए। बाथरूम में ज्यादा दिल लगता है। अच्छा टाइम पास होता है। क्या ऐसा कौन सी वीडियो गेम होती है आपकी बाथरूम में? क्या नाम बताया सर आपने अपना? दिलीप खानवानी। थैंक यू दिलीप जी।